नेक्स्ट के बारे में भी बात हुई। नेक्स्ट की एग्ज़ाम हम मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस के भी लेना चाहते हैं और डेंटल कमीशन द्वारा डेंटिस्ट्री और नर्सिंग के लिए भी लेना चाहते हैं। उसका उद्देश्य ये है, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी लीगल विभाग में हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई एलएलबी करता है तो एलएलबी हो गया, लेकिन उसको एडवोकेट के रूप में जब प्रैक्टिस करनी है तब उसको एग्जाम पास करनी होगी, जब एग्जाम पास करने के बाद ही वो प्रैक्टिस कर पाएगा। वैसे आप एमबीबीएस हो गए, आप नर्स बीएससी नर्सिंग हो गए, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन जब आपको नर्सिंग के रूप में कोई जगह पे जॉब में जाना है, आपको मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, आपको नर्सिंग की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको नेक्स्ट एग्जाम लेनी है और नेक्स्ट एग्जाम से पास आउट व्यक्ति वहाँ जा सकता है और उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई एग्जाम कठिन एग्जाम ले ऐसा नहीं है, जिन्होंने जिस विषय की पढ़ाई की है उसका एक एवरेज असेसमेंट के रूप में वो लिया जाने का प्रावधान हमने किया है। ये साल में तो हमने नहीं लिया है और अगले साल में हमने एमबीबीएस के लिए नेक्स्ट एग्जाम को अभी उसकी प्रिपरेशन हो रही है, बाद में लेंगे। लेकिन एक तरह से सारा मेडिकल पैरामेडिकल एजुकेशन एक सिस्टम में आ जाए, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट हमारा नर्सिंग एजुकेशन दे पाए, हम बेस्ट से बेस्ट हमारा डेंटिस्ट एजुकेशन दे पाए।